हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम क्लास इलेवेंथ की सीरीज़ में क्लास इलेवेंथ की जो आपकी अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसमें एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर फाइव का होगा। चैप्टर फाइव जो कि है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन की बात करेंगे, इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे, और यहीं से हमारा जो अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे पहले के आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा तो आपका जो न्यूमेरिकल का बेस है वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं से हमारा न्यूमेरिकल शुरू होता है। तो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये सिग्निफाइज करता है कि जो हमारी एसेट्स होती है बिजनेस की वो हमेशा जो है कैपिटल और लाइबिलिटीज़ से के बराबर होती है। मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, यानी कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं हम कैपिटल को। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका रूल है इस। ठीक है, कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है या फिर ओनर्स इक्विटी होता है। ये हर बिजनेस में फॉलो होता है ये रूल। अब ये क्यों होता है ये अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस शीट से समझना होगा। बेसिकली बैलेंस शीट को ही हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कि हमारा बैलेंस शीट का जो रूल है कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होगा, यानी कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रूल है कि हमारा जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दोनों एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। वो हमारा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को अफेक्ट करता है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिट और डेबिट साइड हमेशा बराबर करके रखता है। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एक तरफ हम लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं अपनी, जिन्हें हम दायित्व तो बोलते हैं, या फिर जो हमारे बिजनेस में हमारे लिए बोझ है जिन्हें हमें चुकाना है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी साइड हम एसेट्स दिखाते हैं, एसेट्स जो कि हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, उन्हें ही हम बिज़नेस में एसेट्स कहते हैं। तो देखिएगा, हमारी कैपिटल बिजनेस में 4 लाख है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन में हमारा बैंक से हमने 2,25,000 का लोन लिया है। करेंट लाइबिलिटी में हमारी क्रेडिटर है 75,000 और एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग 25,000। तो ये एक तरफ हमने अपनी लाइबिलिटीज़ दिखा दी, दूसरी तरफ हमारी एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख, मशीनरी है 2 लाख, कंप्यूटर 50,000। ठीक है, करंट एसेट्स में हमारा स्टॉक है और डेटर है, और उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो दोनों का हम जब टोटल कर रहे हैं एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड्स का, तो दोनों का बराबर आ रहा है अमाउंट 7,25,000। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यही कहा गया है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी बिजनेस की हो दोनों साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड हमेशा बराबर आती है, जितना हमें फ़ायदा हो रहा है उतना ही नुकसान भी हो रहा है, यानी कि हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ है उतनी हमारी एसेट्स भी होती हैं बिजनेस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स की, कि जो हमारे रूल्स हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो होते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स विल बी एडजस्टेड फ्रॉम एसेट्स। सीधी सी बात है, अगर एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी हम एसेट्स में एडजस्ट करेंगे, और एसेट्स में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो भी हम बिज़नेस में एसेट्स में ही डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है आपका बिस्किट का बिज़नेस है, आपने 100 रुपये का बिस्किट ख़रीदा। ठीक है, तो वो जो 100 रुपये आपने दिया उससे आपको बिस्किट तो मिल गया, बिस्किट आपके एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कैश जो आप दे रहे हैं वो भी आपके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स डिक्रीज़ भी हो रही है। ठीक है, तो अफेक्ट कुल मिला के एसेट्स पे ही पड़ेगा, एसेट्स के डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने पे, और एडजस्टमेंट हम एसेट्स में ही करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड रूल है हमारा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो वो भी हम लाइबिलिटी से ही एडजस्ट करेंगे, और लाइबिलिटी अगर घटती है तो वो भी एडजस्टमेंट लाइबिलिटी से ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। सीधी सी बात है, हमारे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट्स का रूल है जो कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल।
एक ये इम्पोर्टेंट रूल है कि कैपिटल से हम अपने एक्सपेंसेस को हमेशा डिडक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, और इनकम को हम हमेशा कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, सपोज दैट आपका बिस्किट का बिजनेस है, ठीक है, आपको 100 रुपये फ़ायदा आ रहा है तो वो भी आप अपने कैश में ऐड करते हो, और अगर 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो जो पहले की कैश है उसमें से आप उसको डिडक्ट करते हो, यानी कि माइनस करते हो 100 रुपये अगर आपने खर्च किया, तो हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं अपने प्रॉफिट में से और इनकम को ऐड करते हैं। तो वही बात है कि कैपिटल में हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है कि इक्वेशन जो है, लास्ट हमारा क्या है कि इक्वेशन हमारी ये मैच होनी चाहिए कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस। के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक